जब लोग पूरी पूरी ग्रुप में यात्रा करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, सारे दोस्त एक साथ मिलके, तो कोई S2 कंपार्टमेंट बैठा है, कोई S3 में बैठा है, कोई AC2 बैठा है, AC3 में बैठा है, सब अलग अलग बैठ के अपने खाने का ऑर्डर दे देते हैं। उसके बाद खाने का ऑर्डर देने के बाद आपस में बर्थ चेंज कर लेते हैं, या सब अपनी अपनी बर्थ से उतर के एक जगह पर दोपहर में पत्ते खेलते रहते हैं। उसके बाद जब वेटर आता है पेमेंट लेने के लिए, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आप तो पैसा दे दिए रहे हैं, आपका दो दो थाली का रहा ना? हाँ नहीं, आपका तो मिल गया रहा। अरे हाँ, आपका तो मटन करी रहा, फिर आप बोले नहीं मंगल है, हम नहीं खाता हूँ जो है मांसाहारी, फिर वो आप इनको दे दिए रहे। तो इनका पैसा आप बोले कि हमारा 100 रुपया उस इनकी थाली में एडजस्ट करना है, तो वो तो मिल गया रहा। नहीं आपका तो पैसा मिल गया, आप 50 नोट दिए रहे, फटा रहा तो हम कहा नहीं वापस करता हूँ, तो आपको वापस दिए रहे, दोबारा फिर आप अगले स्टेशन पे हमें दिए रहे। हाँ तो मिल गया है। नहीं आपका पुलाव रहा, पुलाव का तो पैसा मिला है। हाँ नहीं आप S2 में बैठे रहे ना? हाँ तो आप बोले कि आपका पैसा S3 वाले से लेना है, तो वो हमें पैसा दे दे रहे, उनका जो 2 थाली रहा इनकी 2 थाली में एडजस्ट कर दिया रहा। ससुर 2 थाली का पैसा कम पड़ रहा है, ये सब पैसा मिल गया है, 2 थाली का कोई नहीं दिया है। अरे भाई साहब आप पैसा का बे? नहीं नहीं आप सो जाओ, आप तो खाना खाए नहीं, आपका तो आप बोले घर का खाना आपका दिल तक मिल गया है, और आप बोले आपका पैसा इनमें, इससे तो 2 थाली का पैसा हमें भरना पड़ेगा जो है। आप भाई साहब S3 में बैठे रहे तो फिर अच्छा 12 नंबर में, हाँ बर्थ बदल लिए रहे आप, 17 नंबर थाली उनको दे दिया रहा, आपका थाली इनको दे दिया रहा। हाँ आप अंडा करी खा रहे हैं ना? हाँ आपका तो ठीक है, 2 थाली का ये ट्रेन में जब जाता हूँ ससुराल काशी एक्सप्रेस में 2 थाली का हमारे ऊपर पड़ता है, समझ में नहीं आ क्या बताए। थोड़ी देर बाद देखा तो वही वेटर बाथरूम के पास वॉश बेसिन के बगल में बैठा, अकेले बिंदास गाना गा रहा, बीड़ी पी रहा है। कजरारी तेरे प्यारे प्यारे ने, अरे ले नैना, कौन सा स्टेशन है भैया, नैनाद ताजे नैना, 10 रुपए किलो है नैना, थैले में भर लो नैना। मैं गया, मैंने ओ भैया तो 2 थाली का प्रॉब्लम था पेमेंट का, क्या हुआ? अरे साहब क्या बताएं ससुर, हम एकदम पगला गए, रास्ता में इलाहाबाद स्टेशन पड़ा तो वहां पे हम हरी वाली गोली लगा लिए, हमारा दिमाग खराब हो गया ससुर, हमें याद है नहीं वो 2 थाली हम ही खा के बैठे हैं। तब से भैया हमें ये संदेश मिला, ये शिक्षा मिला भैया कि नशा पत्ती गोली वोली सब बेकार की चीज है, ये सब एकदम खराब चीज है भाई साहब।